हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू की चटपटी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गेहूं का आटा लेंगे आधा कटोरी और फिर मैदा लेंगे आधा कटोरी। दो चम्मच तेल, और अजवाइन, आधा चम्मच नमक। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से सान लेना है। कढ़ाई को गैस में हाई फ्लेम में रखना है और तेल डाल देना है, थोड़ा जीरा भी डाल देना है। प्याज डालना है कटा हुआ, शिमला मिर्च कटा हुआ डालना है, अच्छे से चलाते रहना। कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देना है और अच्छे से चलाते रहना, और थोड़ा बंधा गोभी डाल देना है कटा हुआ, इन्हें भी अच्छे से चलाते रहना। आधा चम्मच नमक और कद्दू की कस किया हुआ आलू डालना है, इन्हें भी अच्छे से चलाते रहना। चम्मच जीरा मिर्च पाउडर डालना है, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, ये भी अच्छे से मिक्स करके चलाते रहना है। और गैस को ऑफ करके एक नींबू का रस डाल देना है। अब इस आटे के छोटे लोई बनाना है, इसका एक रोटी बना देना है। अब गोल गोल शेप में देना। गैस में तवे को मीडियम फ्लेम में रख करके थोड़ा तेल डाल देना है और इन्हें अच्छे से फैला देना है। और इस छोटे छोटे पूड़ी को तवे में डाल देना है। अब इन्हें अच्छे से पलट देना है। मैं आलू के मिश्रण को अच्छे से डाल देना है। अब इन्हें अच्छे से मोड़ देना है। अब तवे में घी डाल देना है और इन्हें अच्छे से डाल देना है, इन्हें अच्छे से सेक भी लेना है। अब हमारी आलू की चटपटी रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।